नमस्कार दोस्तों सीजी अपडेट विद आर्यन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज जो जिला गरियाबंद रायगढ़ धमतरी रायपुर में जो जो वैकेंसी आया है उसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे एक एक करके बारी बारी से इसको देखेंगे तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिए पहला वैकेंसी जो आया है वो आया है कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद के तहत यह विज्ञापन आया है जो कि जारी हुआ था पंद्रह नौ दो हज़ार बाईस को इसमें जो तृतीय श्रेणी के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर जो विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र युवाओं को उनकी पात्रता अनुसार जिले में सीधी भर्ती हेतु रिक्त पद के विरुद्ध भर्ती करने का स्वीकृति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु 20 परसेंट आरक्षित पदों के माध्यम से सीधी भर्ती लिया जाएगा यहाँ दोस्तों यह अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसके लिए यह वैकेंसी आया है इसमें राजस्व विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जिला गरियाबंद के मूल निवासी तथा कमार या भुंजिया जाति के इच्छुक अभ्यर्थी सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग कक्ष क्रमांक छप्पन संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में दिनांक तीस नौ दो हज़ार बाईस तक निर्धारित आवेदन में दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता जाति निवास प्रमाणपत्र जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाणपत्र इन सब डाटा को लेकर आदिवासी विकास विभाग कक्ष क्रमांक छप्पन संयुक्त जिला कार्यालय जिला गरियाबंद दिया है उसके पते पर जाकर स्वयं उपस्थित होकर उसको सबमिट करना है इसमें जो वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी आया है उसमें 20% परसेंट जो विशेष पृछवी जनजाति है अनुसूचित जनजाति की उसके लिए 20% परसेंट है और जो गरियाबंद जिले के मूल निवासी हैं उनके लिए 80% परसेंट इसके लिए रखा गया है इसमें जो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पदों के लिए यह वैकेंसी जारी किया गया है तो इसमें सबसे पहला जो पद है स्टेनोटाइपिस्ट ठीक है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कुल जो रिक्तियाँ हैं एक है इसमें जो कैंडिडेट है उसको बारहवीं पास मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग लेखन परीक्षा उत्तीर्ण और हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र उत्तीर्ण डाटा एंट्री का पाँच हज़ार की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो गति है पाँच हज़ार की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से कौशल परीक्षा लिया जाएगा ठीक है दूसरा जो वैकेंसी आया है वो है वाहन चालक का तृतीय श्रेणी के अंतर्गत इसमें जो कैंडिडेट है उसको आठवीं और इसके साथ ही साथ चार पहिए वाहन या लाइट मोटर व्हीकल चलाने का जीवित और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो भी कैंडिडेट जो योग्यता बताया गया हो रखते हैं वे इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं और उसको फॉर्म फिलअप करने के पश्चात जो पता बताया गया है सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कक्ष क्रमांक छप्पन संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद के पते पर तीस नौ दो तक स्वयं उपस्थित होकर जो समस्त शैक्षणिक योग्यता जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र जीवित पंजीयन में संलग्न करके आप इसको वहाँ पे जमा कर सकते हैं इसका जो प्रारूप है आप इसमें नीचे देख सकते हैं पीडीएफ में दिया हुआ है इसका प्रारूप तो किस प्रकार से है आप इसमें देख सकते हैं आवेदन पत्र का जो प्रारूप है उसमें इसका जो पी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब बात करते हैं अगला जो भर्ती है उसके बारे में यह जो वैकेंसी वैकेंसियाँ है जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आया है इसका जो नोटिफिकेशन आया था 19 नौ 2022 को जारी किया गया है ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो समावेशी शिक्षा में फिजियो या स्पीच थेरेपिस्ट भर्ती हेतु या आवेदन पत्र जारी किया गया है राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक 950 रायपुर दिनांक 21 छः 2022 के द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर एक निश्चित मानदेय पर पूर्णता अस्थायी रूप से फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के कुल दो पदों पर 30 मार्च 2022 तक के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है इसका जो आवेदन पत्र का फिलअप करने का जो अंतिम तिथि है वो तीस नौ दो बाईस तक है इसमें कुल जो टोटल पोस्ट है वो दो पदों पर होगा फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच इस थेरेपिस्ट इसमें जो श्रेणीवार पद का विवरण दिया है इसमें दिया अनिरक्षित के लिए एक एक दिया है और जनजाति अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है जनरल में इसका एक एक पोस्ट है इसका जो शैक्षणिक आर्ता रखा गया है कुछ इस प्रकार से है जिसमें से फिजियोथेरेपिस्ट पद हेतु जो शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बैचलर ऑफ़ फ़िजियोथेरेपी डिग्री कोर्स और छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है दूसरा जो स्पीच थेरेपिस्ट पद के लिए है इसमें शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बी ए एस एल पी डिग्री कोर्स के साथ ही साथ जो आर सी आई में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है अब देखते हैं कि इसका जो आवेदन पत्र है उसको किस प्रकार से आपको भेजना है तो इसको आवेदन पत्र के लिए आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा जिला पंचायत परिसर धमतरी प्रथम तल कलेक्ट्रेट के सामने पिन नंबर दे दिया है चार नौ तीन सात सात तीन के पते पर ही आवेदन भेजे जाएंगे ठीक है आप इसका जो विस्तृत प्रारूप है और भर्ती संबंधित जो जानकारी है उसको आप डब्लू के जो वेबसाइट है उस पर भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अब देखते हैं अगला जो विज्ञापन आया है उसके बारे तो में अगला जो वैकेंसी है वो है कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यह वैकेंसी जारी किया गया है इसमें वाक इन इंटरव्यू हेतु यह विज्ञापन जारी किया है जिसमें सखी वन स्टॉप सेंटर रायगढ़ में रिक्त व्यक्तिगत सेवा प्रदाता केंद्र प्रशासक के रूप में कार्य करने हेतु पात्र आवेदकों के लिए यह सूचना जारी किया गया है जिसके अंतर्गत आपको 28 सितंबर 2022 को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जाएगी इच्छुक महिला आवेदक निर्धारित दिनांक को प्रातः नौ बजे से बारह बजे तक रायगढ़ ज़िले के कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रायगढ़ पर अपना सबसे पहले पंजीयन कराना है उसके बाद आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे इसके लिए देखते हैं कि पद का विवरण किस प्रकार से दिया गया है इसमें तो इसमें जो सेवा का नाम दिया गया है वो केंद्र प्रशासक के रूप में रहेगा रिक्त सेवा की जो संख्या है वो एक है निर्धारित सेवा शुल्क इतना दिया जाएगा तो पच्चीस हजार रुपये दिया जाएगा सेवा प्रदाता हेतु अधिकतम आयु पचपन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है वो विधि स्नातक या एम एस डब्ल्यू यू तथा शासकीय अर्धशासकीय संस्था से महिला कल्याण के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव या कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता होना चाहिए तो यह था इसका जो शैक्षणिक योग्यता और जो इसका कितना पोस्ट है पदों की संख्या सेवा का नाम उसके बारे में जानकारी अब देखते हैं इसका जो आवेदन पत्र तथा सेवा के लिए जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अनुभव कार्य दायित्व एवं अन्य विवरण आपको जो डब्लू डॉट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर आपको मिल जाएगा उसकी वेबसाइट पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं विज्ञापन में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र पर टंकित कराया जाकर दिनांक 28 सितंबर 2022 को स्वयं लेकर कार्यालय जिला कार्यालय अधिकारी महिला एवं बाल विकास रायगढ़ में संबंधित आवेदक स्वयं उपस्थित होंगे और आवेदन को जमा कर पंजीयन की पौती प्राप्त कर सकेंगे आप इसका जो प्रारूप देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं इसका जो प्रारूप है कुछ इस प्रकार आवेदन पत्र का प्रारूप इसमें स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा, आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए इसको चिपकाना है यहाँ पे दे दिया है आवेदन आ, आवेदित सेवा का नाम लिखना है आवेदन का नाम लिखना है ठीक है स्थाई पता पत्र व्यवहार पता जन्म तिथि जो भी शैक्षणिक योग्यता है उन सबको फिलअप करके आप इसको जो बताया गया है यहाँ पे कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास के जो पता है उस पर आप जाकर स्वयं उपस्थित होकर उसका जो वॉक इन इंटरव्यू है उसको 28 सितंबर 2022 को आप देकर उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं तो ये था जो वैकेंसी आया था उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगा इसी तरह रोज़गार संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए ताकि हमारा जो वीडियो है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके